भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न दो, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का, उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका, किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे? मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है, कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं, इस साजिश रचने की क्या जरूरत थी? इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे, राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं, उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का की ये साजिश
इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा।